तो ये 26,000 किलोमीटर चली है 3 साल में, और 3 साल में 26,000 किलोमीटर चलाने के बाद तो इसने भी, इसकी भी अपनी ही नेविगेशन है बेसिकली। इसमें आपको कोई वाईफाई नहीं लगाना पड़ता, कोई अपना कार प्ले नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, 400-500 की चली है, 500 रुपए की ये मिली में। अरे यार 500 रुपए की यहाँ पर तो भैया छिल उतार लेते। मैं कहता हूँ एवरेज इसकी बहुत कम है, अगर आप सिटी में देखोगे तो ये 12-13 की एवरेज देती है। अच्छा इतनी कम है, लोकल में उन्होंने बोला था 18-20 की आएगी, बट ये आती है 12-13 की एवरेज। कार की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है भैया। बैठा हूँ इस टाइम अमेज में, होंडा अमेज में, और ये भाई साहब है अपने सन्नी भाई, मेरा छोटा भाई है, और ये आज पठानकोट से आए हैं, और मैं सोचा चलो भाई बात कर लेते हैं अमेज के बारे में। तो अमेज ये गाड़ी है, अमेज है, देखो यार साफ सुथरी गाड़ी रखी हुई है। ये 2019 में ली थी, हमारी तरह ऐसे नहीं है कि रफ एंड टफ गाड़ी रखी हो, बेसिकली क्या कि टाइम ही नहीं मिलता गाड़ी साफ कराने का। हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कब ली थी और क्या क्या रहा एक्सपीरियंस? सर ये मैंने ली थी 2019 में, दिसंबर 2019 में, अभी तक बहुत ही गजब एक्सपीरियंस है। ये VX CVT मॉडल है, टॉप मॉडल है ऑटोमेटिक का या CVT में। अच्छा ऑटोमेटिक में है सारा? राइट सर, राइट राइट राइट। और बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत स्मूथ राइड है, लॉन्ग ड्राइव्स पे भी मैं लेके गया हूँ इसे, और शॉर्ट ड्राइव्स पे भी एक्सीलेंट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो यार बेसिकली क्या कि ऑटोमेटिक गाड़ी में मज़ा आ जाता है चलाने के लिए, क्योंकि जिनको आदत पड़ जाती है गियर कोई नहीं है, सिर्फ वहाँ पर दो, एक क्लच है और एक ब्रेक है, बस उसे दबाई जाओ चलाई जाओ चलाई जाओ चलाई जाओ। 2019 में ये गाड़ी ली थी, और 2019 से लेकर अभी तक कितने किलोमीटर चली है? पाजी ये चली है 25,000 किलोमीटर एक्चुअली। हमारी सितंबर में ली थी और अभी 20,000 होने वाले हैं, ये 2019 से लेकर अभी तक 25,000। पाजी क्या हमारा अभी चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है जी, दो साल से जब से कोरोना चालू है। तो हमने ली थी 2019 में दिसंबर में, मार्च 2020 में आ गया लॉकडाउन, और उसके बाद तो सारा का सारा अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो इसलिए आते हैं तो आपके पास आते हैं, या तो दिल्ली जाते हैं किसी टाइम, दैट्स इट। और कोई इनिशियली कोई दिक्कत थी गाड़ी ने? नथिंग पाजी, मतलब पॉजिटिव की बात करें, पहले दिक्कतों की बात करते हैं। कोई दिक्कत आई सर्विस में, सर्विस के एक्सपेंस में, या गाड़ी से रिलेटेड कोई? पाजी मैं कहता हूँ एवरेज इसकी बहुत कम है, अगर आप सिटी में देखोगे तो ये 12-13 की एवरेज देती है। अच्छा इतनी कम है, बेसिकली मैं पढ़ रहा था नेट पे तो 24 के आसपास माइलेज देती है। पाजी पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल है ना? पेट्रोल गाड़ी है वो, 24 वाली वो जस्ट किताबों में होगी, और वो भी मैनुअल में होगी। CVT में मेरे को कहा गया था कि भैया 18-20 की एवरेज आएगी। लोकल में? लोकल में उन्होंने बोला था 18-20 की आएगी, बट ये आती है 12-13 की एवरेज। बट हाईवे पे अभी आप देख रहे हो, मैं हाईवे पे चला के लाया हूँ, तो हाईवे पे देखिए 18 की एवरेज है हाईवे पे, इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल। चल लेते हैं क्योंकि ये रोड घूम रहे हैं यहाँ पर, और अभी नारियल पानी भी पियेंगे, वो भी दिखा देंगे आपको अगर हुआ तो। माइलेज कम है, तो माइलेज का कंपनी को दिखाया क्या? नहीं पाजी अपना ना ज़्यादा कैब, मेरी अभी 3 सर्विसेज हुई हैं इसकी, पिछले हफ्ते ही रेदर मैं अभी सर्विस करवा के लाया हूँ, ठीक है जी। सर्विस भी बहुत वंडरफुल, जो ये करते हैं बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस है, साल के बाद हुई है मेरी गाड़ी की सर्विस। कितना खर्चा है साल के बाद? जी ये 4,500 रुपया खर्चा आया मेरा। 4,500? 4,500। अरे यार 4,500 बहुत ही इकोनॉमिकल है, और बेसिकली क्या है कि कईयों को SUV पसंद है और कईयों को इस तरह की गाड़ियां पसंद है, और अमेज बट ऑब्वियस है, अमेज जब आई थी धमाका मचा दिया था मार्केट में, और उसका फेस लिफ्ट भी आया है, और ऑटोमेटिकली अमेज है जिनको अमेज, पहले मेरी भी फेवरेट होती थी किसी ज़माने में, लेकिन उसके बाद मेरे को थोड़ा इंक्लेशन हो गया थोड़ा SUV लुक टाइप्स पे, और मैं बेसिकली लुक वाइज तो हमारी गाड़ी भी बड़ी ज़बरदस्त है। और ये इसमें जैसे मैंने 4,500 बोला ना, इसमें मैंने 2-3 चीज़ें नहीं बोला उन्हें, जैसे व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, वो बोले थे 1,800 से 2,2500 रुपया खर्चा। मैंने बाहर से MRF वालों का टायर है, MRF वालों से कराई, उन्होंने मेरे को 500-600 रुपये में करके। व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट के तो होते ही अलग से, ठीक है जी भाई। तो वो बोल प्लस इन्होंने ये जो पार्ट्स को लुब्रिकेशन का बोल रहे थे
1200-1300 वो मैंने बोला नहीं भैया अभी मेरे को चाहिए नहीं, तो वो मैंने खर्चा बचाया थोड़ा बहुत। जैसे मैंने अभी कराया था, मेरे को बताया गया था कि लुब्रिकेट करेंगे, उसके अलग से पैसे ले लिए, सर्विस के अलग से ले लिए, फिर उसके बाद लेबर चार्जेस अलग से ले लिया। अब मेरी सेकंड सर्विस वाली वीडियो देखना यार, सेकंड सर्विस कहने को फ्री थी पर कहने को फ्री नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने उसमें भी लेबर चार्जेस इंक्लूड कर लिए थे जो होने नहीं चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे उस वीडियो के ऊपर कि भैया इस तरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहली तीन सर्विसेज फ्री हैं, ठीक है, ऑयल के पैसे देने हैं, ठीक है, आपने कोई पार्ट डाला उसके पैसे देने हैं, ठीक है, आपने कोई आपका शैम्पू डाल रहा उसके पैसे देने हैं, लेकिन इन्होंने जब लेबर चार्जेस कॉलम में डाल दिए, और वो लेबर चार्जेस भी इन्होंने मैं भूल गया कितने डाले थे, अप्रॉक्सीमेटली 600-700 के आसपास डाल दिए थे, वो डालने नहीं चाहिए थे। लेबर चार्जेस थे उसमें? बिल्कुल थे पाजी, लेबर चार्जेस बहुत ही नॉमिनल थे। बिल भी इधर पड़ा होगा पाजी, ये देखिए आपके सामने ही है बिल, बहुत नॉमिनल चार्जेस है पाजी। अच्छा, ये इनका बिल है, ये 1700 पेड सर्विस ही आपकी शायद है ना? करेक्ट पाजी, मेरी दो सर्विसेज, तीन सर्विसेज होगी हुई हैं, और ये वाली पेड थी पाजी। अच्छा, चौथी कराई है आपने? ये चौथी कराई है। चौथी तो पेड है, लेकिन चौथी के हिसाब से भी अगर बिल बात करें तो बिल ठीक ठाक आ गया है, मतलब सस्ता ही आ गया। हमारी तो मसाला दूसरी सर्विस में, फ्री सर्विस में इतना इसके आसपास आ जाता है। इसमें क्या है, इसमें ब्यूटी ये है, ये एक साल में एक सर्विस करानी है इसकी, और गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं, तो इसलिए मेरा मतलब पीस ऑफ माइंड है इस गाड़ी से। मतलब कोई नहीं, टायर चेंज नहीं, कोई सर्विस नहीं, अलाइनमेंट नहीं, मतलब टायर पाजी अभी मैंने क्या है, टायर का वो हो गया था, टायर ख़राब हो गया था अभी पिछले हफ्ते ही, क्या मैं फिर MRF के पास गया, ठीक है जी, तो MRF वालों का भी बहुत अच्छा ये आ रहा है कि जितना टायर चला है, से फॉर एग्जाम्पल 25,000, वो 75,000 के हिसाब से ये ले लेंगे अपना, जो भी प्रो रेटा बेसिस में 4500 रुपये का जैसे इसका टायर है पाजी, तो 4500 रुपये में जैसे 1500 रुपया काटेंगे, बाकी वो कर देंगे रिफंड कर देंगे इसमें। तो टायर का भी बहुत अच्छा इनका सिस्टम है पाजी MRF। यार ये तो पता नहीं था MRF का, मेरी गाड़ी में पता नहीं कौन सी कंपनी के टायर डले हुए हैं, लेकिन MRF अगर ऐसा दे रहा है तो बढ़िया है। MRF के टायर वैसे अच्छे ही होते हैं, वो भी आपको एक आधी वीडियो बता दूंगा जल्दी आने वाले में टाइम में। और बाकी इस गाड़ी की बात करें भैया, पीछे स्पेशियस है, डिक्की इसकी स्पेशियस है। हाँ, जिनको ये कॉम्पैक्ट सेडान पसंद है उनको वही पसंद है, जिनको कॉम्पैक्ट SUV पसंद है उनको कॉम्पैक्ट SUV पसंद है, जिनको SUV पसंद है उनको SUV पसंद है, और बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग लुक्स, अलग अलग लोगों को पसंद होती है। वो ब्रीजा जा रही है, ब्रीजा का भी भैया मैं एक्साइटेड हूँ, CNG मॉडल आने वाला है, कोई पता नहीं जब आएगा तो CNG ले लेंगे बेच के, ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आज पेट्रोल बड़ा महंगा पड़ रहा है इस गाड़ी का, तो यहाँ पर पेट्रोल इनकी माइलेज तो बिल्कुल कम दे रही है। ये अपना नेविगेशन पहले से चल रही है? राइट पाजी, ये इनबिल्ट है, बहुत बढ़िया, ये वाला भी बहुत बढ़िया टूल है। अच्छा, इसमें कोई भी बोलूंगा आ जाएगा पाजी? आप डाल के देखो, कहाँ बोलो नहीं, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पाजी। अच्छा, यहाँ पर डाल देते हैं LNT मॉल, LNT, ओहो टी, एक ये झटके लग रहे हैं अभी। LNT मॉल ये डाल दिया, ये ऑटोमेटिकली नेविगेट, अरे वाह, तो इसमें कोई इन 80 मीटर्स मेक अ यू टर्न, वाह जी वाह, वाह जी वाह, तो इसने भी, इसकी भी अपनी ही नेविगेशन है बेसिकली, इसमें आपको कोई वाईफाई नहीं लगाना पड़ता, कोई अपना मेक अ यू टर्न कार प्ले नहीं लगाना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली ये नेविगेट करके बता देता है। अभी इससे एग्जिट कर देते हैं हम लोग। इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अच्छा है पाजी, इंफोटेनमेंट बहुत बढ़िया है इनका, ये देखिए अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट करूँगा तो ब्लूटूथ का मोबाइल से आ जाएगा, ऑडियो वीडियो फोटो नेविगेशन फोन एवरीथिंग इज अप एक्सीलेंट पाजी। मैंने कल आपको बलेनो बताई थी, अरुण भाई की बलेनो थी, तो आज बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि अभी थोड़े आउटडोर ज़्यादा रहेंगे, एक्सपीरियंसेस रहेंगे अलग अलग गाड़ियों के, तो ये 26,000 किलोमीटर चली है 3 साल में, और 3 साल में 26,000 किलोमीटर चलाने के बाद भाई साहब खुश हैं, और अच्छी बात है भैया। अमेज बेसिकली अभी जो फेसलिफ्ट आया वो भी बड़ा अच्छा है ना पाजी? मैं एक्चुअली ज़्यादा कार्स को फॉलो करता नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल फेसलिफ्ट जो मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है, और उसमें इंटीरियर्स में काफ़ी इनोवेशन की है इन लोगों ने ना। यार ये मेरे को सबसे अच्छी लगती है आर्मरेस्ट बेसिकली, जिस गाड़ी में हो जाए ना, अभी इनकी तो खड़क रही है आर्मरेस्ट पाजी, ये बाहर से दिलवाई थी, इन लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और इन लोगों का डिसएडवांटेज ये था आर्मरेस्ट का बहुत ही छोटी थी पाजी। अच्छा, बहुत ही छोटी थी ये, इसलिए मैंने बाहर से 400-500 रुपए की मिल जाएगी, और इसका मार्केट बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप जाओ दिलशाद गार्डन में, दिल्ली में दिलशाद गार्डन में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी ना पाजी कार के लिए, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब 400-500 की मिली है, 500 रुपए की ये मिली में। अरे यार 500 रुपए की यहाँ पर तो भैया चिल उतार लेते हैं,
3-4 हज़ार से कम नहीं मिलती अगर एजेंसी से लेनी है। बाकी सीट कवर्स भी मैंने बाहर से दिलवाए थे और ये मेरे हिसाब से मेरे को पड़ गए थे 4-5 हज़ार रुपए के हिसाब से पड़ गए थे। बहुत अच्छा बड़ा मार्केट है पाजी कार का वहाँ। अच्छा ये भी सीट कवर बड़े फैंसी से हैं और अच्छे हैं भैया, लेदर लुक लाइक सीट कवर इन ग्रे कलर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये गाड़ी से खुश है और कुछ और अमेज़ वालों को जो अमेज़ लेना चाहते हैं उनको कोई चीज़ कहना चाहेंगे? पाजी लो, दबा के लो, अमेज़ इज़ एक्सीलेंट अपार्ट फ्रॉम माइलेज, अपार्ट फ्रॉम मतलब नो कंप्लेंट्स पाजी, आप लेके भूल जाओ बस। मेरे पास पहले भी होंडा की गाड़ी थी, ब्रियो थी, ठीक है जी। ब्रियो को मैंने एक्सचेंज कराया, थोड़ा सा मैंने कहा चलो अपग्रेड हो जाएगी, तो अमेज़ ली। मैं कहता हूँ होंडा का कोई भी प्रोडक्ट लो पाजी, मैं कहता हूँ पीस ऑफ माइंड है, 10 साल तक आप भूल जाओ, 10 साल तक भूल जाओ। अब ये मेरी कारीगर तो पहले साल ही दिक्कत देनी शुरू कर दी है, काश अपनी भी लॉन्ग लास्टिंग गाड़ी होगी, पर मेरे को लगता नहीं है इतनी लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि थोड़ी दिक्कत तो आ ही रही है। हाँ गुड न्यूज़ है कि 4-स्टार रेटिंग लेके आई है, अच्छी बात है 4-स्टार रेटिंग आई है पूरे एक साल बाद। मेरे ख्याल 14 फरवरी को लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर और 15 फरवरी या 16 फरवरी को इनकी ये रिपोर्ट आई है। और बाकी इलेक्शन का माहौल गर्म है यहाँ पर, आज लास्ट डे ऑफ कैंपेन है, लो ये देखो आप के झंडे लहरा रहे हैं, फिर उसके बाद आ गया भैया ये अकाली दल के झंडे। तो ये सिनेरियो भैया आजकल पंजाब में देखने को मिल जाता है, यूपी में देखने को मिल जाते हैं और बाकी गाड़ियाँ चल रही हैं, धड़ाधड़ आ रही है। और आपको बता दूँ मार्च में भैया बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी आने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेज आने वाले हैं, बहुत डिस्काउंट आने वाले हैं। तो जो लोग गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं वो मार्च तक ज़रूर रुकिए क्योंकि मार्च में हो सकता है कंपनियां भरपूर ऑप्शंस दे दें, भरपूर वो दे दें। और ऑटोमेटिकली अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी जो लोग कहते थे कि हाँ सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी आनी चाहिए, तो वो दिन दूर नहीं, जल्द ही आ रही है सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां तकरीबन 3-4 लाख की रेंज में, 4 लाख 4.25 लाख का की गाड़ी कौन कौन सी होंगी वो प्लान पूरा का पूरा प्लान कर रखा है क्योंकि आने वाली जो मार्केट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट होने वाली है। पेट्रोल और डीजल से सब लोग परेशान हो चुके हैं, सीएनजी से परेशान हो चुके हैं, लोग चाहते हैं कि हाँ भैया किफ़ायती दाम मिल जाए, माइलेज का कोई झंझट ही ना हो। चलिए इसी के साथ बाय बाय कर देते हैं, बाय। चलिए जी बाय बाय। अगर आपको ये अच्छा लगा, अमेज़ अच्छी लगी, ब्लॉग अच्छा लगा तो भैया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और देखते रहो कार की बात। बाय बाय, टेक केयर। वाह जी वाह, ये देखो जी ऐसे लगाते हैं स्क्रीन ऐसे हो लगाता है, शाबी स्क्रीन चलो भी स्क्रीन है। हाँ जी।